मॉड्यूल टू जीरो थ्री डायरेक्ट असेसमेंट फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दो साइकोलॉजिकल टेस्ट विच वी कैन यूज़ इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा को डिटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली देर आर सो मेनी साइकोमेट्रिक असेसमेंट आर अवेलेबल लेकिन जो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें नंबर वन है एटिंग एटीट्यूड टेस्ट एज वेल एज बॉडी इमेज क्वेश्चन है सो so, इन दोनों टेस्ट को जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको जिस तरह वर्ड ईटिंग एटीट्यूड टेस्ट से एक आइडिया हो रहा होगा कि ये जो टेस्ट है दैट इज़ रिलेटेड विद द एटीट्यूड टू द ईटिंग बिहेवियर ठीक है तो इसके बाद जो सेकंड टेस्ट है दैट इज़ द बॉडी इमेज क्वेश्चन है इसके अंदर जो परसेप्शन है आपकी बॉडी इमेज की तरफ हम उसके बारे में क्वेश्चन जो हैं वो क्लाइंट से इसमें पूछे जाएंगे और उसका उसने रिप्लाई करना होगा सो है वी विल गो विद द ईटिंग एटीट्यूड क्वेश्चन ईयर अब जो ईटिंग एटीट्यूड क्वेश्चन ईयर है अगर आप उसमें देखें तो जिस तरह डेट ऑफ बर्थ है ज़ाहरी बात है आपको बच्चे की एज के बारे में पता होना चाहिए उसकी हाइट के बारे में पता होना चाहिए फिर उसका जो करंट वेट है उसके बारे में पता होना चाहिए और इसी तरह जो हाइस्ट वेट है जो आइडियल वेट है और जो लोएस्ट वेट है उसके बारे में पता होना चाहिए एंड डेफिनेटली जो जेंडर है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट सो जो क्वेश्चन एयर है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे जिस तरह आपका जो रेटिंग स्केल है हर आइटम के लिए वो ऑलवेज यूजअली ऑफन समटाइम्स रियली एंड नेवर पे है ठीक है तो जहाँ पर भी क्लाइंट को फील करेगा कि ये आइटम जो है वो मेरी इस तरह की एक्टिविटी को रेफर कर रहा है तो वहाँ पर हम उसे टिक मार्क कर देंगे फॉर एग्जाम्पल नंबर वन है आई एम टेबल अबाउट बींग ओवर वेट ठीक है तो अगर वो ऐसा ऑलवेज सोचता है तो वो ऑलवेज को मार्क कर देगा अगर वो समाइम सोचता है तो वो समाइम को मार्क कर देगा इसी तरह फील दैट्स अदर वुड प्रेफर इफ आई एट मोर ठीक है अगर इस किस्म का उसका कोई थाट uh, पैटर्न है या ऑब्जर्वेशन है तो वो जहाँ पर उसको फील करेगा उसको वहाँ पर मार्क कर देगा ठीक है देन इसी तरह आइटम है कि अवॉइड फूड्स विथ शुगर इन दैम तो अगर वो यूजली करेगा तो उसको यूजअली को मार्क कर देगा या रियली really करेगा तो रियली really को मार्क कर देगा तो इस तरह जो है वो सारे आइटम्स को पढ़ेगा और उसको मार्क करता रहेगा इसी तरह जो बिहेवियर है उसका लास्ट सिक्स मंथ से उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम, हम उससे ये पूछेंगे कि एवर मेड योर सेल्फ सिक टू कंट्रोल योर वेट और शेप यानी उसने कभी वॉमिट आउट किया है कभी पर्जिंग की है अगर वो ये कहेगा कि वंस अ मंथ और लेस तो वो इसको कर देगा मार्क अगर वो कहेगा वंस अ डे और मोर तो वो इसको मार्क कर देगा ठीक है तो इस तरह जो भी उसका बिहेवियर है उसको वो मार्क करता चला जाएगा इसी तरह जब हम बॉडी इमेज क्वेश्चन ईयर की बात करते हैं तो बॉडी इमेज जो क्वेश्चन ईयर है उसके ऊपर अगर आप देखें तो जो रेटिंग है वो वन टू थ्री फोर फाइव के ऊपर है ठीक है अब बेड हेल्थ है दैट इज ऑन वन और फाइव पे है हेल्दी उसकी हेल्थ है वो अब द पॉइंट इज के जो टू थ्री फोर है ये इसका मतलब है इसके दरम्यान में मीडियम कंटिन्यूम जो है वो उसका चलता चला जा रहा है ठीक है इसी तरह अगर वो एम्प्टी फील करता है या वो फुल फ़ील करता है जहाँ पर वो फील करेगा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो थ्री पे करना चाहता है तो वो थ्री पे कर देगा इसी तरह अगर वो ख़ुद को सेक्सी या नॉट सेक्सी फ़ील कर रहा है या कहीं मिडम रेंज में कर रहा है तो वो उसको जो है वो क्लिक कर देगा ठीक है इसी तरह एनर्जेटिक है नॉन एनर्जेटिक है अगर वो कहीं दरमियान में फ़ील कर रहा है तो वो दरमियन में कर देगा ठीक है तो इस तरह के जो आइटम्स हैं वो हम जब असेस करते हैं और उसके लेवल के ऊपर जो स्कोर हमारे पास आता है वो हमें बहुत हद तक इस चीज़ के बारे में बताता है कि जो क्लाइंट है उसकी जो एनोरेक्सिया नर्वोसा की इंटेंसिटी है वो कितनी है और वेदर द क्लाइंट इज़ गोइंग तो टू वो दैट डायग्नोसिस और नॉट थैंक यू